खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कांग्रेस ने आज मोदी सरकार पर जेट एयरवेज को लेकर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। संकट में घिरे जेट एयरवेज को बेलआउट पैकेज देने की खबरों पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट्स जो है पब्लिक डोमेन में, वो ये बता रही हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जो पीएसयू बैंक्स हैं, वो 8500 करोड़ रुपए के कर्जा एक रुपए में इक्विटी लेकर माफ कर देंगे। कांग्रेस ने इन आरोपों के साथ साथ मोदी सरकार से 3 सवाल भी पूछे हैं, जो सवाल कम और आरोप ज्यादा थे। कि मोदी सरकार बैंककरप्ट प्राइवेट एयरलाइन को 8500 करोड़ का बेलआउट पैकेज क्यों दे रही है, जबकि सरकार के पास देश के किसानों, देश के युवाओं के लिए एक फूटी कोड़ी नहीं, जो बैंक से हजारों करोड़ का कर्जा लेकर वापस नहीं देगा। अब उसका कर्जा जनता के पैसे से मोदी जी दिया करेंगे। और तीसरा, क्या जनता की गाड़ी कमाई लूटने का यह नया मोदी मॉडल है? जेट एयरवेज इस समय मुश्किल वित्तीय स्थिति से गुजर रहा है, जिसमें वो पायलटों को तनख्वाह नहीं दे पा रहा और इसी वजह से रोज उसकी कई उड़ानें रद्द हो रही हैं। पैसे नहीं चुका पाने की वजह से उसके कई जहाज सेवा से हटा लिए गए हैं।